नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी के खास लाइव कार्यक्रम सफल किसान में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। दोस्तों, सेब का उत्पादन अक्सर ठंडे इलाकों में होता है जैसे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेकिन सेब की एक ऐसी किस्म भी है जिसका उत्पादन आप देश के किसी भी कोने में कर सकते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले सफल किसान और एप्पल मैन के नाम से मशहूर हरिमंत शर्मा जी ने प्रूफ भी कर दिखाया है। इस खास किस्म का नाम क्या है, इसके उत्पादन का तरीका क्या है और इसके अलावा किसान इससे किस तरह से कमाई कर सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ सफल किसान के एपिसोड में जुड़े हैं हरिमंत शर्मा जी, जिन्होंने खुद इस किस्म को विकसित किया है। तो चलिए, अब देर नहीं करते और जल्दी से स्वागत करते हैं उनका। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं आपका ग्रीन टीवी के इस खास लाइव कार्यक्रम सफल किसान में। धन्यवाद ने। जी, तो मैं सर आपके साथ सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं हमारे किसान भाइयों और दर्शकों से कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सवाल है जो आप हरिमंत शर्मा जी से पूछना चाहते हैं तो लाइव के दौरान कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सर के जरिए आपके सवालों का जवाब दिला पाऊं, लेकिन अगर आप ये कार्यक्रम लाइव खत्म होने के बाद देख रहे हैं तो ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540300003। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को उस कहानी या फिर कहूं कि उस घटना के बारे में बताएं जिसके बाद आपके मन में सेब की खेती करने का ख्याल आया था। सबसे पहले मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार। वर्ष 1999 में हिमाचल प्रदेश में इतना ज्यादा कोहरा पड़ा हमारे बिलासपुर में कि आम के बड़े बड़े पौधे सूख गए, और तब मैंने सेब को विकल्प के रूप में चुना, क्योंकि सेब पर कोहरे की मार नहीं होती है, यह उसमें सुप्त अवस्था में होता है। और वर्ष 1999 में मैंने इस कार्य को शुरू किया था। जी सर, तो सर आपने जो सेब की अनोखी किस्म विकसित की है जिसका नाम HR MN99 है, उसको विकसित करने में आपको कितना समय लगा और ये कितना लंबा प्रोसेस था, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने वर्ष 1999 से यह कार्य शुरू किया था। सबसे पहले एक बीज बोया, उस बीज को बोने के बाद उसमें 2 साल बाद छोटे छोटे फल आए, फिर मैंने उसको पल्लम पे मल्टीप्लाई किया। पल्लम एक लोकल पौधा होता है यहाँ पे, छोटे छोटे खट्टे मीठे फल आते हैं उसपे, और जब उस पे मल्टीप्लाई किया तो उसकी किस्म में थोड़ा और सुधार आया। फिर मुझे बाद में पता चला कि सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग की जाती है, तो मैं शिमला से जी स्क्रैब एप्पल के पौधे लाया और उन पे मैंने ग्राफ्टिंग शुरू की, और 2006 में मुझे इसमें सफलता मिली। जी तो सर, सेब के जो ये HR MN99 किस्म है, देश में सेब की बाकी किस्मों से किस तरह से अलग और उसकी खासियत क्या है? सेब की यह किस्म, नंबर एक तो यह जून में पक जाती है, उस समय बाजार में कोई भी सेब उपलब्ध नहीं होता और विदेशी सेब लगभग 300 साढ़े 300 रुपए किलो मिलता है। और नंबर दो, इसकी खासियत यह है कि यह बीमारी रहित है, जैविक में भी चल पड़ रहा है, क्योंकि हमारे इलाके में अभी उतना ज्यादा बीमारियों का प्रकोप नहीं है, इसलिए यह ज्यादा फायदेमंद है। जी, तो सर ये अभी देश के किन-किन राज्यों में इसका उत्पादन हो रहा है? भारत के सभी 29 राज्यों में व 3 केंद्रशासित प्रदेशों में इसके पौधे रोपित करवाए गए हैं, और अब तक 25 राज्यों में इसके सफलतापूर्वक परिणाम आने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा हमने विदेशों में जर्मनी, दक्षिणी अफ्रीका, बांग्लादेश और नेपाल में भी इसके ट्रायल करवाए हैं, और इन चारों जगह पर फल देना शुरू कर दिया है HRM 99 किस्म ने। जी, तो सर जैसा कि हमने सुना है कि इस किस्म की न्यूट्रिशन वैल्यू जो है हिमाचल और कश्मीर के ठंडे इलाकों में जो सेब का उत्पादन होता है उनकी तुलना में भी काफी अधिक है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है सर? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा इस पर गहन अध्ययन किया गया है, व उनका उत्तर पूर्वीय इंफाल मणिपुर स्टेशन द्वारा इसमें सिद्ध किया गया है कि यह किस्म में न्यूट्रिशन वैल्यू सब किस्म सेबों से ज्यादा है, और यह एक अच्छा फायदे देने वाली किस्म, मतलब रोग रहित है, तथा जी इसका मतलब जो शुगर है
और शुगर भी कुल मिलाकर 6% कुछ है, और जबकि इसमें कैल्शियम की मात्रा, विटामिन ई की मात्रा, विटामिन सी की मात्रा जो है तो 13% कुछ है जी। जी तो सर, एक हमारे दर्शक हैं सत्यवीर सिंह जी, उनका आपसे सवाल है कि जो सेब की जो किस्म है HRMN, वो क्या उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में हो सकती है? वैसे तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इसका सफल उत्पादन हो रहा है, जैसे वाराणसी, पीलीभीत, पीलीभीत में तो लगभग इसके 10,000 पौधे लगे हैं, और वाराणसी, हर जगह, लखनऊ, मेरठ, सब जगह इसके पौधे लगे हैं, और लगभग कोई 30-40 जगह से मुझे इसके फोटो भी आए हैं कि किसानों के यहाँ फल देना शुरू कर दिया है। जी, तो सर इस किस्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको सरकार या फिर किसी विशेष विभाग से उनकी तरफ से कोई मदद मिली है, या फिर अभी तक का ये सफर जो है आपने अपने बलबूते पर ही तय किया है? 2006 से लेकर 2013 तक मैंने यह सफर अपने बलबूते पर तय किया। उसके बाद मुझे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सहयोग मिला। उनके सहयोग से मैंने भारतवर्ष के 29 राज्यों में इसके ट्रायल लगवाए, बा यह संस्थान अभी भी इस कार्य में मेरी सहायता करता आया है। जी, तो सर हमारे एक दर्शक हैं राधे भैया जी, इन्होंने आप कमेंट करके आपसे पूछना चाहते हैं कि किस महीने में इस पौधे को उसका उत्पादन किया जाए, किस महीने में इस पौधे को प्राप्त कर सकते हैं? यह पौधा दिसंबर जनवरी में लगाया जाता है, बा या जून में पक जाता है, क्योंकि ऊपर का सेब, शिमला से ऊपर का सेब जो है तो अगस्त सितंबर में आजकल आ रहा है, और कोटगढ़ का जो किन्नौर का सेब होगा या कश्मीर का सेब होगा उस अक्टूबर नवंबर में आएगा, परंतु यह जून जी में एक किस्म के ऑफ सीजन फसल है। जी इसके अलावा सर, गणपत माली हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने शायद वो ये पूछना चाहते हैं कि राजस्थान के जालौर में इस किस्म की खेती कर की जा सकती है? मेरा तो सभी किसानों से अनुरोध रहेगा, वैसे तो ये भारतवर्ष के सभी राज्यों में हो रहा है, राजस्थान में सीकर में है, बीकानेर में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, परंतु सबसे पहले 10 या 20 पौधों पे ट्रायल कर लिया जाए, ताकि उनको अपनी जमीन में इसके क्या रिजल्ट रहेंगे या मालूम हो सके। ज्यादा लगाने से पहले 10 या 20 पौधों पर सिर्फ इसका ट्रायल कर लिया जाए। जी, तो सर इसके अलावा एक और हमारे दर्शक हैं सत्यनारायण कुमावत जी, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान के भिलवाड़ा में रेतीली मिट्टी में इस किस्म का उत्पादन किया जा सकता है क्या? वैसे तो राजस्थान में मैंने बताया 4-5 जिलों में इसका सफल उत्पादन हो रहा है, सबसे ज्यादा सीकर में भी इसका उत्पादन जी हो रहा है, और वहां तो काफी अच्छे फल भी आ रहे हैं। तो इसके अलावा सर, वैसे हमारे कुछ दर्शक हैं जो कह रहे, जो कमेंट करके आपसे जानना चाहते हैं कि उनको पौधे चाहिए तो कहाँ से मिल सकते हैं? इसके लिए मैं गणपत जी आपको बता दूं कि आप हरिमन शर्मा जी की वेबसाइट पर जाकर उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनका व्हाट्सएप नंबर और कांटेक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पर चला दिया है, आप लोग हरिमन शर्मा जी से इसके लिए डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सर अगला सवाल हमारे एक दर्शक हैं नमीद कुमार नाइक जी, वो पूछना चाहते हैं आपसे कि नोएडा में इस किस्म का उत्पादन किया जा सकता है क्या? दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पौधे लगे हैं, जी और नोएडा के पास भी एक दो किसानों ने लगाए हैं, और राष्ट्रपति भवन में तो अच्छी फ्रूटिंग भी दे रहे हैं। जी तो सर ये सवाल उड़ीसा से है, दरअसल उड़ीसा में इसका उत्पादन किया जा सकता है क्या? उड़ीसा में मेरे लगभग कोई 40-50 हजार के करीब पौधे प्लांटेड हुए हैं, और उड़ीसा में NIF का एक भुवनेश्वर में कार्यालय भी है, जहां विवेक जी, डॉक्टर विवेक जी, डॉक्टर प्रियजन ने, रीति पारा जी देखते हैं, और वह, जी उन्होंने एक ग्रुप भी हरिमन शर्मा एप्पल के नाम से उड़ीसा में फ्रेम कर रखा है। तो सर एक और हमारे सभी दर्शक एक्चुअली अपने अपने राज्यों में, अपने अपने जिलों में इसकी खेती के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगी कि मैं सभी दर्शकों का जवाब आपके थ्रू दिला पाऊं। तो राजकुमार यादव जी हैं जो मधुबनी बिहार से हैं, वो जानना चाहते हैं कि मधुबनी बिहार में इसकी खेती की जा सकती है क्या? हाँ, बिहार में गया और इसमें जी सीतामढ़ी, इनमें मेरे पौधे लगे थे जो कि ट्रायल बिल्कुल सफल हुए हैं, और मेरा सभी किसानों से अनुरोध रहेगा कि पहले 10 या 15 पौधों पे ट्रायल कर लिया जाए अपनी भूमि में, ज्यादा लगाने के लिए, क्योंकि
तीसरे साल तो रिजल्ट आ जाता है, ज्यादा देर मतलब इंतजार करना नहीं पड़ता। तो पहले ट्रायल लगाएं और अपनी भूमि में परख लें, अगर अच्छा लगे तो बढ़ा लें। इसके अलावा सर, सत्यनारायण कुमावत जी ने दोबारा से कमेंट करके पूछा है कि थोड़ा खारा पानी हो सकता है, यानी कि शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि खारे पानी में इसकी इसका उत्पादन किया जा सकता है या नहीं। नहीं जी, नहीं जी, खारा पानी नहीं, इसके लिए मीठा पानी, बोरवेल का या कुएं का पानी ही चाहिए, नहर का पानी भी हो सकता है जी। जी, तो सत्यनारायण कुमावत जी, मुझे लगता है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके अलावा सर, दर्शकों के सवाल चलते रहेंगे, उस बीच में आपसे जानना चाहूंगी कि आपको इस किस्म के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जैसा कि हमें पता है, तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि आपको कौन कौन से पुरस्कार इसके लिए मिले हैं और कहाँ से। इसके लिए मुझे अब तक 16 राष्ट्रीय अवार्ड, 10 राज्य स्तरीय अवार्ड और 5 अन्य अवार्डों से नवाजा जा चुका है, जिसमें मतलब प्रमुख है राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी से भारत का द्वितीय राष्ट्रीय किसान का खिताब लेने का गौरव मिला था, कृषक सम्राट सम्मान प्राप्त करता चुका हूँ श्री राधा मोहन सिंह जी की, तत्कालीन कृषि मंत्री, और IRF है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों की तरफ से इनोवेटिव फार्मर अवार्ड बा IRA फेलो अवार्ड, मतलब मानद प्रोफेसर की उपाधि भी उन्होंने मुझे दे रखी है, और राजस्थान से किसान वैज्ञानिक की उपाधि, जैसे मौलाना आजाद विश्वविद्यालय है, पैसिफिक यूनिवर्सिटी उदयपुर है, बा बीकानेर पशु चिकित्सा ज्ञान विश्वविद्यालय है, वहां से भी मुझे इसके बारे में अवार्ड मिले हैं, और हिमाचल के जैसे हिमाचल सरकार के प्रेरणा स्रोत सम्मान पुरस्कार, इनोवेटिव फार्मर अवार्ड, और अभी अभी मुझे, पहले तो मैंने जोनल जगजीवन राम कृषि अभिनव पुरस्कार जीता था 7 राज्यों पे, परंतु अभी मुझे 2021 में नरेंद्र तोमर जी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जगजीवन राम कृषि पुरस्कार से नवाजा गया है। जी, तो सर इस बीच हमारे दर्शक हैं जय बहादुर जी, उनका सवाल है कि बिहार के भोजपुर जिले में इस पौधे की खेती की जा सकती है। मेरा सभी किसानों से अनुरोध रहेगा कि सबसे पहले आप अपनी हर मिट्टी में 10 या 20 पौधे लगा के देखें, और फिर ट्रायल करके अगर संतुष्टि हो तो इसको बढ़ाया जाए जी, क्योंकि हर मिट्टी में अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। सबसे ज्यादा सफलता जो है तो महाराष्ट्र और मणिपुर में सबसे ज्यादा सफल हो रहा है जी। इस बीच सर एक और सवाल हमारे दर्शक का, सत्यवीर सिंह जी, उनका पूछना है आपसे कि इसका पौधा कहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं और ट्रायल के तौर पर और पीएच मान कितना होना चाहिए इसकी खेती के लिए, तो वो आप इनको बताएं सर। ट्रायल के लिए इसका पौधा यही मेरी नर्सरी से, जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, फोन पर हर समय फोन खुला रहता है, बा आप वेबसाइट पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं उसमें भी, और वेबसाइट जो है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों तरफ में छपी है जी। इसके अलावा सर, संदीप सिनवर जी, जिनका सवाल है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा का सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इसकी खेती की जा सकती है। हाँ, सिरसा, हिसार, करनाल, इन जगह यह पौधा आराम से फल दे रहा है जी, और अच्छी सफलता पूर्वक फल दे रहा है जी। इस बीच सर एक और सवाल हमारे दर्शकों कि इसको हाई डेंसिटी में लगा सकते हैं या नहीं, और मिनिमम कितना नहीं, डिस्टेंस पौधे के बीच में या लाइन में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। यह जो सीडलिंग का पौधा ग्राफ्टेड है हरमन 99, या तो 15 बाई 15 फुट के फासले पे लगता है, परंतु हाई जी डेंसिटी में टिश्यू कल्चर जो ग्राफ्टेड प्लांट है हरमन 99, वह महंगा जरूर होता है, परंतु उसको हाई डेंसिटी में 5 दरबे 5 फुट पे लगाया जा सकता है। इसके अलावा सर एक और हमारे दर्शक हैं नमित कुमार नायक जी, वो पूछना चाहते हैं चिकट मिट्टी के लिए HRMN 99 पौधा सही होगा या फिर नहीं। इसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले मिट्टी में 10 पौधे लगा के देखें, और फिर प्रयोग करके अगर अच्छा चलेगा तो ठीक है, क्योंकि सभी मिट्टियों के बारे में भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां हैं तो कहना मुश्किल है। जी, तो सर जैसे अभी हरियाणा के सिरसा और हिसार के बारे में आपने बताया, तो एक और हमारे दर्शक है परवीन कुमार, वो भी हरियाणा से ही हैं और वो जानना चाहते हैं कि जिंद जिले में इस पौधे की खेती की जा सकती है। हाँ, हरियाणा में मैंने कहा कि 4 जगह यह पौधा फल दे रहा है। तो सर मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए परवीन कुमार जी के लिए कि ये हरियाणा पौधा हरियाणा में में कहाँ कहाँ। हाँ जी जैसे करनाल, हिसार, सिरसा,
इन जगहों पे यह पौधा फल दे रहा है। तो प्रवीण कुमार जी, जिंद में भी सर कहना चाहते हैं कि ये पौधा फल देगा, लेकिन आपको पहले 10 या 15 पौधे लगाकर एक ट्रायल ले लेना है, उसके बाद आप इसकी खेती उसके परिणामों के अनुसार कर सकते हैं। तो सर, इसके अलावा मेरा सवाल है आपसे कि इस किस्म को विकसित करने के बाद उसे बाजार दिलाने में आपको कितना समय लगा, और इस दौरान आपको क्या क्या दिक्कतें हैं जो आपको देखने को मिली? जब मैंने 2006 में यह पौधा तैयार किया तो कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं मानता था कि बर्फीली पहाड़ियों पर पैदा होने वाला सेब लू के थपेड़ों में भी पैदा हो सकता है। परंतु मैंने इसके लिए फिर एक रास्ता ढूंढा कि 2007 में जून महीने में मैं कोई लगभग 10-12 किलो सेब और आम इकट्ठे लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी के पास शिमला गया और मैंने उनको फल भेंट किए कि सर, बिलासपुर जहाँ टेम्परेचर 45-46 डिग्री तक जाता है तो वहां भी यह फल होता है। और उन्होंने दूसरे दिन कृषि विभाग, उद्यान विभाग व तीनों यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर की मीटिंग बुलाई और सबको फल खिलाया। उस दिन से यह साबित होने लगा कि यह वाकया ही बर्फीले क्षेत्रों में का फल गर्म लू के थपेड़ों में भी हो रहा है। और सभी अधिकारी जो हैं तो एक उसी महीने यहाँ मेरे फार्म पर देखने भी आए कि इसमें क्या सच्चाई है। जी सर, इस बीच सर एक और दर्शक हैं, राजू कुमार यादव जी, वो जानना चाहते हैं कि पर प्लांट इसका क्या प्राइस है, वो उनको बताएं। जो सीडलिंग पे ग्राफ्टिंग हरिमन 99 है वो ओनली 80 रुपए पर प्लांट्स के हिसाब से नर्सरी में मिलता है, कोरियर चार्जेज एक्स्ट्रा होगा। और टिश्यू कल्चर जो हाइब्रिड में है हरिमन 99, जो कि लैब में तैयार किया हुआ पौधा होता है, ग्राफ्टिंग उसमें बाद में होती है, वो 270 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से दिया जाता है। जी तो सर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसकी खेती की जा सकती है क्या? ये हमारे दर्शक हैं संयम यादव जी, उनका सवाल है आपसे। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में एक दो जगह यह पौधा फल दे रहा है सफलतापूर्वक जी। जी तो इसके अलावा सर, हमारे एक और दर्शक हैं उमेश सिंह जी, वो पूछना चाहते हैं आपसे कि यूपी के गोरखपुर में इसका पौधा लगाया जा सकता है। हाँ, गोरखपुर में भी लगभग कोई 2-3 हजार पौधे इसके लगे हुए हैं जी। जी तो सर, उनमें फल आ रहे हैं अभी? हाँ, फल आ रहे हैं जी। फल तकरीबन 25 स्टेट में फ्रूटिंग शुरू हो गई है जी। जी तो सर, इसके अलावा अभी जैसे देश के, ये तो आपने बता ही दिया है कि देश और विदेश में कहाँ कहाँ HRMN99 की किस्म पहुंच चुकी है और कहाँ कहाँ जी उत्पादन कर रही है, लेकिन इसके लिए अधिकतम कितने तापमान में इस किस्म का उत्पादन किया जा सकता है, वो तापमान क्या है सर? अधिकतम 45-46 तक इसका उत्पादन सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। देखिए, जी इसके अलावा सर, जैसे लागत की अगर हम लोग बात करें तो सेब की इस किस्म के उत्पादन में कितनी लागत आती है और किसान भाई कितना मुनाफा इससे कमा सकते हैं? इसमें कोई लागत नहीं आती ज्यादा। ये तो हम जैसे खड्डे खुद खोद सकते हैं, गोबर की खाद घर की होती है, बाकी इसमें पेस्टिसाइड कोई ज्यादा स्प्रे नहीं होता अभी तक का। प्रोक्सी क्लोराइड वगैरह का एक स्प्रे होता है, प्रूनिंग किसान खुद कर सकता है। इसमें खर्चा कुछ नहीं है, सिर्फ पौधे का है और कोरियर में आने का है थोड़ा सा, वो भी लगभग मतलब 100 रुपए से कम कम पौधा हर जगह पूरे इंडिया में पहुंच जाता है, और बाकी तो कोई खास खर्चा इस पे नहीं है। जी इसके अलावा सर, संदीप सिनवर जी हैं जो हमारे दर्शक हैं, फेसबुक पर आपका ये लाइव कार्यक्रम इस समय देख रहे हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि कितना गहरा गड्ढा खोदना चाहिए इसको, कितनी कैट डालें? इसके लिए 3 बाई 3 फुट का गड्ढा खोदना चाहिए और 15 बाई 15 फुट के फासले पे इसको लगाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा सर, रमेश गोस्वामी जी हैं गुजरात में, पौधे चाहिए कैसे मिलेंगे, वो ये जानना चाहते हैं। उनके लिए मेरी यही पे सुझाव रहेगा कि या तो मेरी वेबसाइट पे जाके बुकिंग करवा लें, या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9418 वाला, उस पे संपर्क करके बुकिंग करवा लें। फिर हम कोरियर वालों से संपर्क करके उनको अक्टूबर नवंबर में खुद जवाब दे देंगे। तो संयम यादव जी का सवाल भी कुछ इसी तरह था, वो जानना चाहते थे कि वाराणसी में पौधा कहाँ से मिलेगा और कितने का मिलेगा। तो मुझे लगता है संयम जी, आपको भी आपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, आप सर की वेबसाइट पर जाकर ये पौधा ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा सर, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी कि HRMN99 के अलावा आपने और कौन कौन सी सेब की किस्मों को विकसित किया है? सेब की अन्ना और डोरसेट दो किस्में हैं,
जिनको मैं यहाँ लगा रहा हूँ और किसानों को भी दे रहा हूँ, परंतु अन्ना उतना सफलतापूर्वक नहीं उग रहा है जी। और इसके अलावा मैं कॉफी पे कार्य कर रहा हूँ, एवोकाडो पे कार्य कर रहा हूँ, लीची, खुमानी और चीकू, ये तो मैंने तैयार कर लिया है जी। तो सर जो आपने अभी सेब की दो और किस्मों के नाम बताए मुझे, वो इन जो हर्मन 99 है उससे किस तरह से अलग हैं और इनकी क्या खासियत है? उनकी खासियत यह है कि जो डॉर्सेट गोल्डन है वो तो गोल्ड रंग में होता है और पीला रंग होता है उसका, परंतु जो ICR वालों ने अपने रिसर्च में वैल्यू निकाली है या गुजरात में जो DNA टेस्ट हुआ है इसका गांधीनगर में, तो उसमें उन्होंने कहा है कि HRMN99 अन्ना और डॉर्सेट गोल्डन से 7% ज्यादा बेहतर है, गुणवत्ता में भी, टिकाऊपन में भी और स्वाद में भी। जी। इसके अलावा सर आगे आप किसानी के क्षेत्र में किस तरह के और नए प्रयोग करना चाहते हैं और अभी आप आगे कहाँ? हाँ जी, नए प्रयोगों में मैंने जैसे कहा कि मैं एवोकाडो कॉफी इस पे कार्य कर रहा हूँ, और एवोकाडो का एक पौधा दक्षिणी अफ्रीका से मंगवाया था और वो बड़ा अच्छा चल रहा है, इसमें पिछली बार लगभग 150 के करीब फल लगे थे, और जो यहाँ का एवोकाडो के फल होते हैं वह लगभग 300-400 ग्राम तक होता है, परंतु मेरे यहाँ पिछली बार एक फल 917 ग्राम वजन का हो गया था। तो सर हमारे एक और दर्शक हैं PK बोस, जो आप जानना चाहते हैं कि इलाहाबाद में इसका पौधा कैसे मिल सकता है? इलाहाबाद में कोरियर के माध्यम से ही पौधा मिल सकता है, आप व्हाट्सएप पे जाके बुकिंग करवा लें, बुकिंग का कोई पैसा नहीं लेते, और जब बुकिंग के बाद कोरियर वालों से कॉन्टेक्ट करके पिन कोड नंबर टैली करने के बाद हम अमाउंट बता देते हैं विद कोरियर चार्जेज के इतना है, उससे आगे किसान का लेना या ना लेना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। जी, हमारे कुछ दर्शक हैं जो वेबसाइट का नाम जानना चाहते हैं, तो मैं हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगी कि लाइव कार्यक्रम खत्म होने के बाद सर के वेबसाइट का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक आपको दे देंगे, आप सभी वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। इस बीच राजू कुमार यादव हैं, वो टाइम ऑफ सोइंग सर जानना चाहते हैं कि इस पौधे को लगाने का समय क्या है, वो बता दें। दिसंबर और जनवरी महीने जी, फरवरी 15 तक, नवंबर से लेके फरवरी 15 तक, क्योंकि यह पौधा उस समय सुप्त अवस्था में होता है, इसको भेजने में भी आसानी रहती है और यह 15-20 दिन तक सूखता भी नहीं है जी। तो सर क्या देश के सभी हिस्सों में इसी टाइम पर इस पौधे को लगाना सही रहता है, मतलब सब हर जगह का तापमान अलग अलग होता है? या सर सिर्फ विंटर सीजन का प्लांट्स है और पूरे भारत वर्ष में इसी समय लगाना चाहिए, वैसे कई फ्रॉड करके नर्सरी वाले पौधे बेचने के लिए इसको बरसात में भी लगवा रहे हैं, परंतु वह नहीं होता है जी। तो एक और दर्शक है सर, मोहिनी यादव जी उत्तर प्रदेश से, वो जानना चाहती हैं कि फिरोजाबाद में इस पौधे का उत्पादन किया जा सकता है क्या? हो जाएगा, मैंने जैसे पहले कहा कि इसमें ट्रायल कर लो अपनी जमीन में, पहले ज्यादा लगाने की बजाय ट्रायल कर लिया जाए जी। सर तो इसके अलावा सर, तो अब वक्त हो चला है आपसे और हमारे दर्शकों से विदा लेने का, लेकिन जाते जाते सर मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को खेती किसानी के बारे में अपनी तरफ से कोई मैसेज जरूर दें। मैं खेती किसानी के लिए दर्शकों को, सभी किसान भाइयों को ये कहूंगा कि खेती घाटे का सौदा नहीं है, इसको अगर दिल और लगन से किया जाए तो इसमें फायदा ही फायदा है, क्यों नौकरियों के पीछे भागने की बजाय खेती की तरफ ध्यान दें। और मैं एक बात और बता दूं अपने सभी किसान भाइयों को कि यह किस्म जो है तो 2014 में मैंने इसके लिए रजिस्ट्रेशन यानी पेटेंट के लिए अप्लाई किया था, और 15/2/2021 को यह किस्म HRMN99 भारत सरकार द्वारा पेटेंट कर दी गई है, और इसके कोई भी पौधे अगर लेना चाहे तो सिर्फ हरिमन शर्मा नर्सरी बिलासपुर से ही लिए जा सकते हैं, बाकी कानूनी तौर पर भी अवैध है, व फर्जी गुमराह करने वाले लोगों से सावधान रहे। वैसे तो सर समय हो चला था विदा लेने का, लेकिन इस बीच हमारे एक और दर्शक ने कमेंट करके आपसे सवाल पूछा है और हम हमारे दर्शकों को निराश नहीं करना चाहते, इसलिए मैं चाहूंगी आप इनका भी प्लीज जवाब दें। प्रदीप दास जी हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं कि पौधे लगाने के बाद कितना समय लगता है फल आने में? टिश्यू कल्चर वाला पौधा 1 वर्ष में फल दे देता है, और जो सीडलिंग पे होता है वो 3रे साल सैंपल देता है, 4थे-5वें साल से 10-15 किलो फल देना शुरू करता है। इसके अलावा सर एक और सवाल है, टिश्यू कल्चर की लाइफ कितनी रहती है?
टिश्यू कल्चर प्लांट्स में सहारा देने की जरूरत होती है, क्योंकि इसकी जड़ें नहीं होती ज्यादा, तो ये गिरता है और इसको सहारा देने की जरूरत होती है। अभी लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितना चलेगी। जी सर, तो इसी के साथ सर अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत आपका और सभी किसान भाइयों का जी। ठीक जी सर। है। तो दोस्तों, जिस तरह से आज हमने आपको हरिमंश शर्मा जी से मिलाया, जिनकी वैज्ञानिक सोच के बलबूते पर ही आज उनका नाम सफल किसानों की सूची में शामिल है और देश प्रदेश के कई पुरस्कारों से उन्हें नवाजा भी जा चुका है। इसी तरह हमारे देश में ऐसे ही कई सफल किसान हैं जिनसे हम आपको हर शनिवार दोपहर 2 बजे मिलवाने की कोशिश करते रहेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपके साथ साथ हमारे दर्शकों को भी आज का एपिसोड काफी पसंद आया होगा। लेकिन फिलहाल आज के इस एपिसोड में मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। तो घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं